हेलो दोस्तों, तो दोस्तों जैसे आप लोग को पता है कि नोकिया अपना एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला है 6 सितंबर को, जिसमें वो अपना नोकिया 6.2, नोकिया 7.2 और नोकिया 8.2 लॉन्च करने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नोकिया 7.2 के बारे में बताने वाला हूँ, जो गीक बेंच पे अभी लिस्ट होकर आ चुका है। तो काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप, साथ में आपको यहाँ पर स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर मिलने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है सभी जानने में, तो रहे वीडियो को एंड तक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इस स्मार्टफोन में आपको जो डिस्प्ले मिलेगा वो होगा 6.2 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले। साथ में यहाँ पर आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगी, और साथ ही में पीछे की तरफ आपको एक ग्रेडियंट फिनिश में डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको ग्लास का बैक देखने को मिल जाएगा। साथ ही में पीछे की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जो एक सर्कल के अंदर होंगे, जैसे आपको मोटरोला में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इसमें जो मेन सेंसर होगा वो होगा 48 मेगापिक्सल का, दूसरा होगा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और तीसरा होगा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के लिए। साथ ही में यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी। इसके साथ प्रोसेसर की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसका जो प्रोसेसर है वो 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है, यानी कि ये स्नैपड्रैगन का 710 हो सकता है। तो ये एक काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है, तो जैसे आपको पता ही है। इसके साथ में इस स्मार्टफोन में आपको 3500 mAh की बैटरी मिलेगी, और पीछे की तरफ आपको एक रेयर फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ये स्मार्टफोन आएगा 2 वेरिएंट में, 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 256GB स्टोरेज। इसके साथ में इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉयड 9 पाई देखने को मिल जाएगा। तो प्राइसिंग और लॉन्च डेट की बात करते हैं, तो ये स्मार्टफोन आपको 15,000 से 25,000 की प्राइस रेंज के बीच में देखने को मिल जाएगा। और लॉन्च डेट की बात करते हैं, तो जैसे आपको पता है कि नोकिया अपना 6 सितंबर को एक इवेंट रखने वाला है, सितंबर के महीने में या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपको ये इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। इस स्मार्टफोन के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और मैं आपसे मिलता हूँ फिर से एक और नए वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।